करौली से 15 किलोमीटर दूर आगरी गांव, जहां पर सरकार ने 25 लाख की लागत से पानी की टंकियां बनवाई गई हैं, फिर भी वहां के लोगों को व स्कूल के बच्चों को आज की तारीख में भी पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये पानी की क्या स्थिति है? स्थिति ये कि मतलब कि हमारे यहाँ पे साल भर तो टंकी हो गए बने, वहाँ पे भी अभी पानी नहीं आया है। हेडपम्प पे कभी कभी तो ये भी पानी छोड़ जाया जा, आधा घंटा में एक घंटा में पानी निकले इसमें। पानी की ये सब टंकी बन गई, पानी खत्ते है नहीं इतने। कितने दिन की बनी हुई है टंकियाँ? या 6-7 महीने हो गए टंकी लगे। कितनी दूरियाँ हैं वो बोरिंगों की और आपके घरों की? कम से कम 1 किलोमीटर। आपके स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था है? हमारे स्कूल में पानी नहीं है, इसमें हेडपम्प में 1-2 घंटे में पानी निकालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाते हो? उधर जाना पड़ता है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? लगभग 200। तो बच्चे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो वापस आते ही नहीं है, उनको हेडने जाना पड़ता है। 2-3 बार लेटर पैड पर लिख के कलेक्टर तक को दिया है, बी ऑफिस में देके आए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके बच्चे मिड डे मील के बाद या पानी के लिए कहाँ भागते हैं? तो आस पास में जो पड़ोस में जो टंकी बनी हुई है उन पर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसी खास व्यवस्था नहीं है। आपके स्कूल के पास में तो जस्ट एक गवर्नमेंट टंकी बनी हुई है, तो उसकी क्या सिचुएशन है? उसमें मैडम पानी आज तक भी नहीं आया, बनी उसके बाद पहना पानी आया ही नहीं। कितने महीने हो गए उसको बने? उसको बने करीब 6 महीने हो गए। हमारा समुदाय जलदाय विभाग के आला अधिकारियों से निवेदन करता है कि उन टंकियों को शुरू किया जाए, जिससे आगरी गांव के लोगों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। जिसमें जलदाय विभाग के अधिकारियों का नंबर है 074-64-250-219। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।